आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग और कूल गैजेट्स दिखाने वाले हैं। कुछ ऐसे गैजेट्स जिनको देखने के बाद आपको भी उन सारे गैजेट्स को खरीदने का मन जरूर करेगा। एक ऐसा गैजेट जिसको यूज करने के बाद आप जादूगर भी बन सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके साथ ही ब्लैक पैंथर फैंस के लिए भी आज एक बहुत ही कमाल का गैजेट हम लेकर आए हैं। इसके अलावा एक ऐसा गैजेट जो आपके स्कीइंग एक्सपीरियंस को भी बढ़ा देगा और भी बहुत कुछ खास होने वाला है आज की हमारी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी वर्चुअल गैजेट्स की एक और नई वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले गैजेट की तरफ और जान लेते हैं आज का हमारा पहला गैजेट क्या है। तो आज का हमारा पहला गैजेट है JJRC H45। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जो पलक झपकते ही एक ड्रोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब ये फोल्ड रहता है तो ये देखने में बिना हैंडल वाली बाइक की तरह लगता है। जब आप इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये एक ड्रोन में बदल जाता है। यानी कि जो पार्ट्स इसके बाइक की तरह लगते हैं वो असल में इस ड्रोन के प्रोपेलर्स होते हैं। अगर पहली नजर में इसको कोई फोल्डेड फॉर्म में देखता है तो वो बता ही नहीं पाएगा कि वो बाइक है या फिर ड्रोन। इसको आप सिंपली अनफोल्ड करने के बाद अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट करके इसको उड़ा सकते हो। इवन आप इसके फ्लाइंग रूट को भी पहले से सेट कर सकते हो, जिससे आपको इसको उड़ाना नहीं पड़ेगा और ये पहले से तय किए गए रास्ते पर अपने आप ही उड़ता रहेगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे गैजेट की तरफ, जो कि है आयरन मैन स्लाइड ब्लास्टर आर्मर। फिलहाल ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप में से कौन कौन आयरन मैन का फैन है, क्योंकि आज का टाइम में तो सब आयरन मैन के दीवाने हैं। और आज उन सारे ही फैंस के लिए बनाया गया है आयरन मैन का ये हैंड वियरेबल गैजेट। अपनी रियलिस्टिक डिजाइन और छोटे छोटे डिटेल्स के साथ स्लाइड ब्लास्टर आर्मर को यूज करने के दो तरीके होते हैं। आपको सिंपली अपना हाथ डालने के बाद एक वॉच की तरह इसे कंफर्टेबली फिट करना होगा। इसमें लगी बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ये आर्मर एक कमाल के इफेक्ट के साथ आपके हाथ पर एक्सपेंड हो जाएगा और इसका यही इफेक्ट काफी ज्यादा खास भी है। उसके बाद आपको इसके डॉट्स को ब्लास्ट चैम्बर्स में डालना होगा, जिसके बाद ये आर्चेड होकर शूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो जरा बताइए, है ना ये बेहद मजेदार गैजेट। और बाकी तो आप जानते ही हैं, इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे गैजेट की तरफ, जो की है फील फ्लक्स। हम अक्सर ही कुछ ऐसी चीजें देखते रहते हैं जो की बिल्कुल अनयूजुअल होती है और ऐसी चीजों पर हम लोग अक्सर यकीन भी नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा ही है कमाल का मैग्नेटिक गैजेट। जो कुछ भी इसमें देखने को मिलता है पहली नजर पर तो आप उस पर यकीन ही नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको देखने के बाद सिर्फ मैजिकल वाली फीलिंग ही आती है। चलिए इस गैजेट का राज जान लेते हैं। इस गैजेट में एक सिलेंड्रिकल शेप पार्ट होता है जिसके साथ एक छोटी सी बॉल भी होती है। आप चाहे इसको एक एक्सपेरिमेंट कह लो या फिर एक स्किल टॉय कह लो, लेकिन इसकी मदद से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल किया गया है मैग्नेटिक और डायनेमिक रूल का, जिसको लेंस लॉ भी कहा जाता है। तो जब आप इस बॉल को एक पाइप शेप पार्ट में डालते हैं तब उस टाइम पर उस बॉल की मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ADI करंट्स प्रोड्यूस कर देती है, जिससे एक रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उसी वजह से ये बॉल नॉर्मल स्पीड में गिरने की वजह काफी तेज स्पीड से गिरती है। साथ ही इसमें बहुत कमाल का एंटी ग्रेविटी इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस देखने में एकदम मैजिक की तरह ही लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है कमाल किसी मैजिक का नहीं बल्कि साइंस का है। आप इस गैजेट को फन पर्पस से यूज कर ही सकते हो। इसके साथ ही ये फिजिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। चौथे गैजेट पर बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल भी वर्चुअल गैजेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। आज की हमारी लिस्ट का चौथा गैजेट है विंग जंप। बात करें अगर स्कीइंग की तो ये काफी एडवेंचरस और यूनिक एक्सपीरियंस होता है, और स्कीइंग के इसी एक्सपीरियंस को आप और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं विंग जंप की मदद से। विंग जंप बिल्कुल विंग्स की तरह होते हैं, जिनको आप कोट की तरह पहनना होता है। इसको पहनने के बाद आप स्कीइंग को एकदम अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विंग जंप स्कीइंग परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव कर ही देता है, साथ ही ये स्कीइंग के दौरान स्टेबिलिटी और सेफ्टी को भी बढ़ा देता है। तो अगर आपको स्कीइंग करना पसंद है और आप इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं विंग जंप का। बढ़ते हैं आज के गैजेट नंबर 5 की तरफ, जो की है HX Urban। अब देख लेते हैं बहुत ही कमाल के मोनोव्हील गैजेट को। असल में एक तरीके का स्केटबोर्ड है जिसमें लाइटनिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। इस स्केटबोर्ड में आपको साइड में LED स्ट्रिप्स लगी हुई मिलेंगी, वही फ्रंट और बैक पर इस पे आपको ब्राइट लाइट्स भी मिल जाएंगी। एक इनफ लेंथ का प्लेटफॉर्म होने की वजह से पैरों के मूवमेंट में भी आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी, जिससे आपको अपने फुट को रखने के लिए काफी ज्यादा स्पेस भी मिल जाएगा। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप इसको मेन रोड पर हैवी ट्रैफिक के बीच में चलाते हो तो इवनिंग और रात के टाइम इसकी विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए भी अच्छी बात है। तो दूर से आने वाले लोग भी इसे आसानी से नोटिस कर लेंगे और राइडिंग तो इसकी काफी ज्यादा स्मूथ है ही। तो एक मोनोव्हील के तौर पर ही HX Urban एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाता है। बढ़ते हैं आज के गैजेट नंबर 6 की तरफ, जो की है ब्लैक पैंथर गियर। ब्लैक पैंथर ने अपनी सोलो मूवी से लेकर एंड गेम तक कुछ ज्यादा ही खास रोल प्ले किया था, तो अगर आप एक ब्लैक पैंथर फैन हो तो आप इस गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गियर में आपको ब्लैक पैंथर के गियर के साथ उनके ग्लव्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको उसके शार्प नेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके मास्क में एक्स्ट्रा आईलेट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो ओपन और क्लोज होने के बाद इसको और भी ज्यादा कूल बना देंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके ग्लव्स में आपको नुकीले वाले नाखूनों के साथ तगड़े साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, ब्लैक पैंथर फैंस के लिए तो ये गैजेट बहुत ही कमाल का हो जाता है। बाकी अगर आप इस गैजेट को खरीदना चाहते हो तो आपको इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, थे ना ये सारे बहुत ही कमाल के गैजेट्स। आपको ये गैजेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके बताना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल भी वर्चुअल गैजेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।